गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो भैया, अपने पॉलिटिकल और हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास चल रही थी और आज अपने जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इतिहास का। देखो, इतिहास में अपने चैप्टर सेकंड जो है ये भारतीय इतिहास के आधुनिक पृष्ठ, इस चैप्टर की अपने बात चल रही थी और इसमें अपने फर्स्ट जो भाग था मौर्य काल, वो अपना कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में अपने गुप्त साम्राज्य स्टार्ट किया था, जिसमें अपने श्रीगुप्त, घटोत्कच और चंद्रगुप्त प्रथम, ये तीन शासक अपने पढ़ चुके हैं। अगर ये आपने किसी ने नहीं देखे हो या कोई नए जुड़े हो अपने चैनल से, तो ये अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन जो होती है उसमें आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप हिस्ट्री और पॉलिटिकल के वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो अब अपने बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम जो था। इस चंद्रगुप्त प्रथम का कार्यकाल था अपने 319 से लेकर 335 ईस्वी तक। 335 ईस्वी में जो शासक बना था वो कौन था? अपने समुद्रगुप्त। देखो, गुप्त वंश का यह सबसे महान, अब तक का सबसे महान, सबसे शक्तिशाली और एक शूरवीर महान योद्धा माना जाता है, जिसने गुप्त साम्राज्य का चारों दिशाओं में क्या किया, विस्तार किया। देखो, सबसे पहले बात करते हैं इसकी उपाधियों की। उपाधियों में देखो, इसकी पहली उपाधि आती है पराक्रमांक। पराक्रमांक जो पराक्रमी होता है उसके लिए यह उपाधि काम में ली जाती है। फिर इसे कहते हैं सर्व राजोच्छेद। इसके अलावा धरणीबद्ध, धरणी बंध। इसके अलावा कविराज। इसके अलावा भारत का नेपोलियन। ये कई उपाधियां जो है वो किसकी है? अपने समुद्रगुप्त की है। इस समुद्रगुप्त को पराक्रमांक भी कहा जाता है, सर्व राजोच्छेद भी कहते हैं, इसी को धरणीबंध भी कहते हैं, इसी को कविराज कहा जाता है, इसे ही भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अब देखो, पराक्रमांक का मतलब तो जो पराक्रमी शासक होता है, इसके लिए ये उपाधि काम में ली जाती है। सर्व राजोच्छेद, भैया ये सर्व राजोच्छेद की जो उपाधि है, यह उपाधि इसे उस समय के जो सामंत और राजा जो थे उन्होंने इसे यह उपाधि प्रदान की थी। मतलब समुद्रगुप्त के समय जो आसपास के सामंत थे, आसपास के राजा थे, उन्होंने इन्हें सर्व राजोच्छेद की उपाधि दी। इसके अलावा धरणी बंध, धरणी बंध का मतलब हो गया पश्चिमी, पश्चिमी व पूर्वी समुद्र तक अधिकार करने वाला, उसे क्या कहते हैं? अपने धरणी बंद। और कविराज, ये सबसे मेल उपाधि है। ये कविराज कहाँ मिली है? इसको जो प्रयाग प्रशस्ति है, उस प्रयाग प्रशस्ति में इसे क्या कहा गया है? कविराज कहा गया है। प्रयाग प्रशस्ति क्या है वो आगे आपको बताऊंगा। प्रयाग प्रशस्ति में इसकी उपाधि कौन सी है? कविराज है। और भारत का नेपोलियन इसको कहा था। इसकी विजय जो हुई थी, इनकी समुद्रगुप्त की जो विजय थी, उन विजयों के कारण वी ए स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। नेपोलियन इसलिए कहा था क्योंकि अगर आपको पता हो, नेपोलियन बोनापार्ट ने जिस प्रकार से विजय की थी, पीछे मुड़कर नहीं देखा था। सेम टू सेम ऐसी ही विजय जो है वो किसने की थी? समुद्रगुप्त ने की थी। इसलिए वी ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त की तुलना जो है वो किससे की है? नेपोलियन से की है। इसीलिए इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सबसे मेन उपाधि जो है वो कविराज वाली है, यह आपको ध्यान रखनी है। किसमें है? पर्याक प्रशस्ति में है। रचयिता इसका हरिसेन था। देखो, समुद्रगुप्त के बारे में और चर्चा करें तो अपने कह सकते हैं कि यह एक महान कवि था, महान गायक था, महान शासक था, महान सेनापति भी था, महान कूटनीतिज्ञ था और अनेक प्रतिभाओं से युक्त महान शासक था। इसका भाई था काच, इसका भाई था काच। इस काच के साथ में ये संघर्ष करके क्या बना था? शासक बना था। और 375 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य की गद्दी पर विराजमान हुआ था और लगभग 40 साल तक, 375 ईस्वी तक इसने गुप्त साम्राज्य जो है उसको चारों दिशाओं में फैला दिया। गुप्त साम्राज्य की पताका जो है वो चारों तरफ फैलने लगी। अब यहाँ पे बात करेंगे अपने समुद्रगुप्त की जानकारी के स्रोत या इसको जानने के प्रमुख स्रोत। देखो, प्रमुख स्रोतों में पहला आता है आपके पर्याग प्रशस्ति।
देखो प्रयाग प्रशस्ति क्या है, इस प्रयाग प्रशस्ति का जो रचयिता है वो कौन था, अपने हरिसेन था। यह प्रयाग प्रशस्ति जो है यह समुद्रगुप्त की आत्मकथा है और इसी में समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख भी है। ये भी काफी मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख कौन सी रचना में है या किस में है, तो किस में है, प्रयाग प्रशस्ति में है। और देखो यह जो प्रयाग प्रशस्ति है इसी से अपने समुद्रगुप्त की सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों की क्या होती है, जानकारी प्राप्त होती है। देखो समुद्रगुप्त का रचयिता हरिसेन था, लेकिन इसको लिखवाने का जो कार्य है वो किसने किया था, तिल भट्टक ने किया था। यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अपने 12वीं क्लास से नहीं, कंपटीशन एग्जाम जो है, आप कोई भी एग्जाम दे लो, चाहे वो पटवारी, ग्राम सेवक, पुलिस वगैरह की, रेट वगैरह की, किसी भर्ती हो, ये समुद्रगुप्त जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। और इसी प्रयाग प्रशस्ति में अभी आपको बताया कि इसे क्या कहा गया है, कविराज कहा गया है। अब यहां पर एक क्वेश्चन और ध्यान देना आप, ये हरिसेन जो है ना, ये हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में महादंड नायक भी था, संधि विग्राहक भी था और कुमारामात्य भी था। तीनों पद जो है वो किसके पास में थे, हरिसेन के पास में थे। ये हो गए इसकी जानकारी का पहला स्रोत। इसके अलावा इसकी जानकारी का दूसरा स्रोत है एरण अभिलेख। देखो एरण अभिलेख इसलिए बोलते हैं, एरण एक जगह का नाम है जो कहां पर है, अपने मालवा एमपी में है। यहां पर यह अभिलेख लिखवाया गया है। इस अभिलेख में समुद्रगुप्त जो है इसे एक दानी राजा बताया गया है, एक दानवीर शासक बताया गया है और इसकी तुलना जो है वो पृथु व राघव जो है इनसे भी महान शासक के रूप में की गई है। ऐसा कहा गया है कि समुद्रगुप्त जो है वो पृथु व राघव से महान है तथा कुबेर के समान है। किसके समान बताया गया है, इसको कुबेर के समान बताया गया है। और यह भी कहा गया है कि जब समुद्रगुप्त नाराज होता है तो वह किसके समान हो जाता है, यमराज के समान हो जाता है। यह भी किसमें बताया गया है, एरण अभिलेख में। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछते हैं, वह कौन सा अभिलेख है जिसमें समुद्रगुप्त की तुलना पृथु व राघव से की गई है, या कुबेर से महान बताया गया है, या यमराज के समान बताया गया है, तो कौन सा है आपके, एरण अभिलेख। इसके अलावा समुद्रगुप्त की जानकारी के और स्रोतों की बात करें तो और स्रोतों में है समुद्रगुप्त के सिक्के। समुद्रगुप्त जो है इसने कितने प्रकार के सिक्के चलाए थे, 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे, जिनमें सबसे प्रमुख जो सिक्के हैं वो है अश्वमेघ प्रकार के सिक्के। और इन्हीं अश्वमेघ प्रकार के सिक्कों से हमें यह जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त जो है उसने अश्वमेघ यज्ञ भी किया था। देखो अश्वमेघ प्रकार के, परशु प्रकार के, व्याघ्र प्रकार के, कई ऐसे सिक्के थे, 6 प्रकार के ऐसे सिक्के थे जो किसने चलाए थे, समुद्रगुप्त ने चलाए थे। ये इतनी बात अपने हो गई समुद्रगुप्त की। अब आता है समुद्रगुप्त से संबंधित मेन टॉपिक। जो मेन टॉपिक है अपने वो है समुद्रगुप्त की विजय। समुद्रगुप्त की विजय, देखो इन्हीं विजयों के कारण वी.ए. स्मिथ जो है इन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। भारत का नेपोलियन, सुना होगा आपने कि यह मुकुट मुझे धूल में पड़ा हुआ मिला था, मैंने इसे अपनी तलवार की नोक पर उठाया है, मैं सही समय पर आया हूं, अगर पहले आ जाता तो जल्दी हो जाती, अगर बाद में आता तो देर हो जाती। ये सारी बातें जो है वो नेपोलियन की कही हुई है, फ्रांस का जो शासक था नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। अब बात करते हैं अपने समुद्रगुप्त की विजयों की। देखो विजयों में ध्यान रखना, पहली पंक्ति तो यही आती है कि समुद्रगुप्त की जो विजय है उनका उल्लेख जो है वो कौन सी रचना में है, प्रयाग प्रशस्ति में है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछाता है कि समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख किसमें है, प्रयाग प्रशस्ति में। किसने लिखी, कब लिखी, क्या लिखी, वो सारी आपको बता चुका हूँ। संस्कृत भाषा की ये रचना है, हरिसेन रचयिता था, तिल भट्टक ने इसको लिखित करवाया, लिखित रूप प्रदान किया और सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। इसी रचना में इसको कविराज भी कहा गया है और यह है समुद्रगुप्त की आत्मकथा भी है। अब देखो पहली विजय आती है इसकी आर्यावर्त की विजय। आर्यावर्त की
विजय। देखो तो गंगा यमुना का दोआब का क्षेत्र है वहां पड़ता है अपने आर्यावर्त, और इसका उल्लेख जो है वो प्रयाग प्रशस्ति का जो सातवां श्लोक है, इस सातवें श्लोक में समुद्रगुप्त की आर्यावर्त की विजय का उल्लेख मिलता है। देखो आर्यावर्त में समुद्रगुप्त ने 2 बार युद्ध किए थे। प्रथम युद्ध में इसने हराया था कितने राजाओं को? 5 राजाओं को। और दूसरी विजय जो की थी उसमें हराया था इसने 9 शासकों को। और इसने जो आर्यावर्त के जो शासक थे उनके साथ में जो नीति अपनाई थी वो अपनाई थी पशुबोधरण की नीति। पशुबोधरण की नीति का मतलब हो गया धन लेख ऐश्वरी, इनको सहमूल या एक प्रकार से कह दे जड़ से क्या कर देना, नष्ट कर देना। उस नीति को क्या कहते हैं? पशुबोधरण की नीति। यहाँ पर नीतियाँ ध्यान रखना आप लोग। बोल लेते हैं कि आर्यावर्त के राजाओं के साथ में कौन सी नीति अपनाई, तो कौन सी नीति है? पशुबोधरण की नीति। कौन सी किस में उल्लेख है? प्रयाग प्रशस्ति। कौन से श्लोक में? सातवें श्लोक में। आर्यावर्त के प्रथम बयान में 5 राजाओं को, दूसरे बयान में 9 राजाओं को। किसने पराजित किया था? समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। अब देखो जो राजा पराजित हुए थे वो कौन कौन थे, उनके नाम अगर पूछ ले तो अच्युत, नागसेन, गणपति नाग, कोतकुल्लज, अपने रुद्रदेव, अपने मातिल, ये ऐसे शासक थे जिनको समुद्रगुप्त ने क्या किया था? पराजित किया था। ओके, दूसरी विजय की बात करते हैं। जो दक्षिण के राज्य थे उन दक्षिण के राज्यों के प्रति समुद्रगुप्त की नीति या समुद्रगुप्त की विजय। देखो तो दक्षिण के राज्य थे उन दक्षिण के राज्यों का एक संगठन था। कितने राज्यों का संगठन था? 12 राज्यों का संगठन था। और इन 12 राज्यों के संगठन का नेतृत्व कर रहा था कांची का शासक था विष्णु गोप। विष्णु गोप 12 राज्यों का एक संगठन था दक्षिण के राजाओं का, और उनका नेतृत्व कौन कर रहा था? कांची का शासक था विष्णु गोप। तो इन 12 राज्यों को भी समुद्रगुप्त ने क्या किया? कांची के विष्णु गोप के नेतृत्व में इनको पराजित कर दिया, जिसका उल्लेख जो है हमें प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं और 20वीं पंक्ति में मिलता है। कौन सी पंक्ति में? 19वीं और 20वीं पंक्ति में मिलता है। और इनके साथ में जो नीति अपनाई थी उस नीति को बोलते हैं घृण मोक्षानुग्रह की नीति। घृण मोक्षानुग्रह की नीति का मतलब हो गया धन लेकर इन राज्यों को, इन राजाओं को वापस क्या कर दिया? छोड़ दिया। देखो आर्यावर्त के राजाओं के साथ में पशुबोधरण की, दक्षिण के राज्य के प्रति घृण मोक्षानुग्रह की नीति, और समुद्रगुप्त की जो दक्षिण की विजय है ना, इस दक्षिण की विजय को हेमचंद राय चौधरी जो था उसने क्या कहा था? धर्म विजय की संज्ञा दी थी। यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है कंपटीशन एग्जाम में कि समुद्रगुप्त की दक्षिण विजयों को किस इतिहासकार ने धर्म विजय की संज्ञा दी? हेमचंद राय चौधरी। कौन सी नीति अपनाई? ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति। कितने राज्य थे? 12। किसके नेतृत्व में लड़े थे? कांची के विष्णु गोप के नेतृत्व में। कौन सी पंक्ति में उल्लेख है? 19वीं और 20वीं पंक्ति में। क्लियर है इतनी बात। अब बात करते हैं अपनी तीसरी विजय। तीसरी विजय आते हैं जो सीमांत राज्य थे, सीमांत बोल दो या अपने प्रत्यंत बोल दो, इन सीमांत या प्रत्यंत राज्यों के साथ में उसने कैसी नीति अपनाई? देखो सीमांत या प्रत्यंत राज्यों की अपने बात करें तो आपके नेपाल है, आपके कर्तपुर है, आपके समतट है। समतट कहाँ पे पड़ता है? अपने बांग्लादेश में। इसके अलावा आपके डवाक है, डवाक जो अपने कहाँ पर पड़ता है? आसाम में पड़ता है। इसके अलावा अपने अर्जुनायन, मालव, योद्धे, काक, खरपरिक, ये कुछ ऐसे सीमांत राज्य थे जिनको भी समुद्रगुप्त ने क्या किया था? पराजित किया था। और इनके साथ में जो नीति अपनाई थी उस नीति का नाम था सर्वदानाज्ञाकरणम। सर्वदानाज्ञाकरणम अर्थात सर्वदानाज्ञाकरणम का मतलब हो गया कि सभी क्या देंगे? कर देंगे। पहली बात तो सभी क्या कर देंगे? कर देंगे। दूसरी बात क्या हो गई? सभी क्या करेंगे? समुद्रगुप्त की आज्ञा का क्या करेंगे? पालन करेंगे। और तीसरी हो गई कि सभी दरबार में हाजिरी लगाएंगे और समुद्रगुप्त को क्या करेंगे? प्रणाम
करेंगे। वह आज्ञा कौन सी होती है? सर्वदानाज्ञाकरणम। यह कौन से राज्य के साथ में अपनाई थी? सीमांत या प्रत्यंत राज्यों के साथ में। कौन कौन से राज्य? नेपाल है आपके, कर्तपुर है आपके, समतट है आपके, डवाक है। इसके अलावा अपने गणतांत्रिक राज्यों में जो 9 राज्य थे आपके, अर्जुनायन, माल्लव, योद्धेय, काक, खरपरीक, ऐसे राज्यों के साथ में कौन सी नीति अपनाई? सर्वदानाज्ञा कर्णम। इतनी बात क्लियर हो गई, अब आगे चलते हैं अपने। देखो इनमें यही ध्यान रखना है कि समुद्रगुप्त ने किन राज्यों के साथ में कौन सी नीति अपनाई और इनका उल्लेख कहाँ पर है। ठीक है, 3 विजय हो गई। चौथी विजय आती है जो विदेशी जातियां थी। विदेशी जातियां, विदेशी जातियों में मुख्य रूप से आपके शक है, आपके मुरुंड है, आपके कुषाण थे, कुषाण। ठीक है, ये ऐसी कुछ जातियां थी, शक, कुषाण, मुरुंड। इनके साथ में भी समुद्रगुप्त ने क्या किया था? संघर्ष किया था, युद्ध किया था। और इसका उल्लेख जो है वो पर्याप्त प्रशस्ति की कौन सी पंक्ति में? 23वीं और 24वीं पंक्ति में मिलता है। और इनके साथ में जो नीति अपनाई थी उस नीति को देखो, याद करने का सीधा सा सिस्टम रख लेना, आकगु। ठीक है, आकगु का मतलब हो गया आज्ञाकरण, मतलब सभी क्या करेंगे? समुद्रगुप्त की आज्ञा का क्या करेंगे? पालन करेंगे, या अपने कह दे आत्मनिवेदन, अर्थात समुद्रगुप्त के सामने क्या करेंगे? वो निवेदन करेंगे कि हमें माफ कर दो, हमें स्वतंत्र कर दो। पहली बात। दूसरी बात, कैसे हो गया कन्योपायन? कन्योपायन का मतलब हो गया कि ये विदेशी जातियां जो है वो अपनी कन्याओं का विवाह किसके साथ में करेंगे? गुप्तों के साथ में करेंगे, गुप्त वंश के शासकों के साथ में करेंगे। और इसका हो गया अपने गुरुत मंदक। गुरुत मंदक का मतलब हो गया कि ये विदेशी जातियां जो है वो अपने सिक्कों के ऊपर किसका चित्र अंकित करवाएंगे? गरुड़ का चित्र अंकित करवाएंगे। ऐसा समुद्रगुप्त ने विदेशी जातियों के प्रति नीति अपनाई कि सभी मेरे सामने आत्मनिवेदन करेंगे, अपनी कन्याओं का विवाह जो है वो गुप्तों के साथ में करेंगे, और जो आप सिक्के डालते हो उन सिक्कों के ऊपर किसका चित्र अंकित करवाना है? गरुड़ का चित्र अंकित करवाना है। यह नीति किनके साथ में? विदेशी जातियों के साथ में, जिनमें शक, कुषाण, मुरुंड ये प्रमुख जातियां थी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब अंतिम विजय आती है उसकी, जंगली जातियों के प्रति। जंगली बोल दो या आटविक बोल दो। इनके साथ में देखो समुद्रगुप्त ने भी युद्ध किया था, इनको भी समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। ये जातियां मुख्य रूप से देखें तो अपने गाजीपुर, एक तो जो कहां पड़ता है यूपी में, और एमपी में थी ये जातियां मुख्य रूप से। इन जातियों को भी समुद्रगुप्त ने क्या किया? पराजित कर दिया। और पराजित करके इनके साथ में जो नीति अपनाई उसको बोलते हैं परिचारकीकृत, अर्थात इनको पराजित करके इनको क्या बना लिया? अपना सेवक बना लिया। तो ये था भैया आपके समुद्रगुप्त, जो वैष्णव धर्मावलंबी था, गुप्त वंश का एक महान योद्धा था, महान शासक था। आपको देखो इसकी उपाधियां ध्यान रखनी है, फर्स्ट बात। सेकंड बात, जो प्रयाग प्रशस्ति है वहां से क्वेश्चन पूछते हैं। थर्ड बात, इसकी जो विजय है, विजय में कौन सी नीति किनके साथ में अपनाई, ये ध्यान रखना है बस। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें आपके कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होती है तो आप मेरे को कमेंट के माध्यम से या कैसे भी, आप जैसी इच्छा हो वैसे आप मेरे से पूछ सकते हो। पीछे की वीडियो देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में अपने पॉलिटिकल साइंस की और हिस्ट्री की वीडियो की लिंक उपलब्ध करा दी जाएगी। ओके, तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में आगे।